अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। याबू सुल्तान सीरीज की आमद से कबल हिम्मत दाहों को क्या बड़ा झटका लगा है। ऐसी खबरें क्यों सामने आ रही हैं कि याबू सुल्तान सीरीज आने से पहले ही बंद कर दी गई है और इस सीरीज का काम रोक दिया गया है। इन सब खबरों के बाद सीरीज की कास्ट का हिस्सा बनने वाले किरदारों का रद्द अमल क्या है? क्या सीरीज की टीम में कुछ तब्दीलियां करके सीरीज को स्क्रीन पर पेश करने की तैयारियां अरूज पर हैं? सीरीज की शूटिंग और सेट के बारे आने वाली अहम खबरें भी हम आपसे शेयर करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि सीरीज की शुरुआत से कबल ही मद्दाहों पर इसका मनफी तासुर क्यों पड़ा है। सीरीज की तखीर की क्या वजह है? क्या सीरीज की शूटिंग का आगाज होने जा रहा है या फिर शूटिंग की तमाम तैयारियाँ मनसूख कर दी गयी है? सीरीज की कास्ट पर भी एक नज़र डालेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कौन से अहम नाम इस सीरीज से जुड़े हुए हैं और क्या जबरदस्त मुकाबले के पेश नज़र सीरीज स्क्रीन पर कदम रखने से गुरेज कर रही है। सीरीज किस प्लेटफॉर्म पर पेश की जाएगी इस बारे भी बात करेंगे और भी बहुत सी अहम मालूमात आपसे आज की वीडियो में ही शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस्लामी तारीखी सीरीज ने मद्दाहों को अपने शहर में मुब्तला कर रखा है। दिल्ली शैतुल सीरीज की कामयाबी ने बहुत सी तारीखी सीरीज के लिए राह हमवार कर दी और अब पे दर पे तुर्की इंडस्ट्री इस्लामी तारीखी किरदारों पर सीरीज बनाने में मसरूफ है, जो खासी कामयाबी भी हासिल कर रही हैं। ऐसे में दिल्ली शैतुल सीरीज के ही शोहरत याफ्ता अदाकार चंगेज जोशकुन को लेकर जब नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया तो सब बहुत जोशीले नजर आए। चंगेज जोशकुन जो तुर्गो तालिब के रूप में दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, अब नई सीरीज के हीरो के तौर पर सुल्तान याऊ सलीम का किरदार अदा करेंगे। ये सुनते ही उनके मद्दाह खुशी से उछलने लग गए थे, मगर इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुए काफी वक्त गुजर गया और मद्दाहों के लिए किसी किस्म की अहम खबरें शेयर नहीं की गयी, इसलिए वो बहुत बेताब नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे कबल चंगेज जोशकुन के मद्दाहों के लिए खुशखबरी ये थी कि उनकी मूवी मलाजिक्री 1071 रिलीज हुई, जिसमें वो सुल्तान अल्परसलान का किरदार अदा कर रहे थे। मगर अब ये खुशखबरी साबित हुई है या फिर नहीं, ये फैसला करना मुश्किल है, क्योंकि चंगेज जोशकुन स्क्रीन पर तो आए मगर कुछ हद तक इस मूवी ने उनके मद्दाहों को मायूस कर दिया। यूँ तो इस मूवी ने बहुत ज्यादा वक्त लिया, मगर जब यह खुदा खुदा करके तवील अरसा इंतजार के बाद रिलीज हुई तो मद्दाहों की तमाम उम्मीदें खाक में मिल गईं। ये बिल्कुल वैसा ही हिसाब था कि खोदा बाहर निकला चूहा। यूं लगा जैसे मूवी अब से 10-15 साल पहले बनाई गई हो। कहानी कुछ यूं बयान की गई कि हीरो का किरदार भी उभर कर सामने ना आ सका और एक बड़ी तारीखी जंग का एक्शन कुछ ऐसा था जो आजकल की सीरीज किसी छोटे मोटे वाके में ही दिखा देती है। दरअसल तुर्की तारीखी सीरीज ने इस वक्त एक्शन का मैार कुछ इस अंदाज में सेट कर दिया है कि मद्दाहों की तौकात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। खैर, ये मूवी ज्यादा दाद हासिल करने में कामयाब नहीं रही, बल्कि मद्दाह मायूस हो गए और बहुत से एतराजात भी सामने आए। इतने जदीद दौर में भी ऐसे नाकाम एक्शन की तवक्का नहीं थी। अब सवाल ये है कि इस मूवी का याऊ सीरीज से क्या ताल्लुक है? व्यूवर्स, यही मूवी इस नई सीरीज पर असरअंदाज नजर आ रही है। मूवी के हीरो चंगेज जोशकुन ही याऊ सीरीज के हीरो हैं और सुल्तान याऊ सलीम के किरदार के लिए चुने गए थे और फिर मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर बिलाल कालोन जो मौजूद थे। इधर याऊ सीरीज में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बिलाल कालोनजो ही यहाँ भी सीरीज की प्रोडक्शन टीम में मौजूद हैं। अब बिलाल कालोनजो के मलाजिक्री 1071 जैसे प्रोजेक्ट के नाकाम होने पर इस सीरीज पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ खबरों के मुताबिक तो मूवी की नाकामी के बाद सीरीज पर काम रोक दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अब ये सीरीज सामने नहीं आएगी, इसलिए मद्दाह खास से परेशान नजर आए हैं। बहुत से लोग इस सीरीज के बारे जानने के लिए सवाल कर रहे थे। व्यूवर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि मूवी की नाकामी आइंदा सीरीज को मुतासिर कर चुकी है। याऊ सीरीज के मुंतजिर मद्दाह तो ये सवाल लिए फिर रहे हैं कि क्या सीरीज पर काम बंद कर दिया गया है। जी हाँ, मूवी के बाद अचानक से ये खबरें सामने आई थी कि याऊ सीरीज रोक दी गई है और अब उसके स्क्रीन पर आने का कोई इम्कान नहीं है, मगर ऑफिशियली इस पर कोई बयान जारी नहीं हुआ था। मद्दाह इसी कश्मकश में थे कि ऐसे में सीरीज की मर्कजी कास्ट में से हाजल फिलिस का एक बयान सामने आया, जो सीरीज में हीरोइन यानी हफ्सा सुल्तान का किरदार अदा करने वाली थी। अदाकारा ने कहा कि वो भी इंतजार के मरहले से गुजर रही हैं।
यहाँ तक कि वो नए प्रोजेक्ट्स का जायजा भी ले रही हैं। मगर याउल सीरीज के बारे अभी इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सीरीज की टीम की जानिब से अभी किसी पेशरफ्त के साथ उनसे राब्ता नहीं किया गया। अगर अभी वो इस प्रोजेक्ट के लिए इंतजार में है तो वाजे हुआ कि अभी सीरीज कैंसिल नहीं हुई। इसके अलावा भी दीगर खबरें सामने आई थी जिनके मुताबिक सीरीज को अभी बंद नहीं किया गया बल्कि इस मामले को लेकर मुशावरत की जा रही है। अदाकारों ने कहा कि उन्हें अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में मजीद तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। दूसरी जानिब सीरीज को लेकर अभी ये बहस जारी है कि उसे जारी रखना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए। अभी तक सीरीज की टीम किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंची मगर सीरीज के तमाम काम फिल वक्त वहीं रुक चुके हैं। मजीद कोई पेशरफ देखने को नहीं मिली। इस बहसों वास्ते के दौरान सीरीज के एक्शन डायरेक्टर्स में कुछ तब्दीलियों के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ खबरों के मुताबिक सीरीज की इंतजामिया में कुछ खास तब्दीलियों के बाद बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा कि सीरीज का आगाज कब होगा या फिर होगा भी कि नहीं। यूँ तो नए साल के आगाज पर इस सीरीज की जानिब से किसी बड़ी खबर की तवक्का की जा रही थी। जनवरी में शूटिंग के शुरू हो जाने के इम्कान थे मगर चूँकि अब सीरीज बनाने के फैसले पर ही नजरेसानी की जा रही है तो फिल वक्त कास्ट या शूटिंग के हवाले से खबरों की तवक्का नहीं की जा सकती। आप यकीनन ये जानकर हैरान हुए होंगे कि कैसे किसी और प्रोजेक्ट ने एक नई आने वाली तारीखी प्रोजेक्ट को मुतासिर कर दिया। अगर आपने अभी तक मुलाजिक्री 1071 मूवी नहीं देखी तो अपना तवील वक्त जाया करने की बजाय हमारी वीडियो का जायजा ले सकते हैं जिसमें हमने मूवी को चंद मिनटों में मुख्तसर से अंदाज में बयान किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी चूँकि इस बारे सोचो विचार किया जा रहा है कि सीरीज को किन तब्दीलियों के बाद जारी किया जाएगा या फिर हालात के पेश नज़र तमाम काम बंद कर दिया जाएगा। इस सब में ये नुक्ता भी जेरे गौर रहेगा कि इस सीरीज को आने वाले वक्त में किन सीरीज के मुकाबले का सामना हो सकता है। नए साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर हर एक ने नजरें जमा रखी है वो पाक तुर्क दोस्ती पर कायम सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज होगी। दोनों ममालिक के इश्तराक से इस शानदार सीरीज पर काम जारी है। इतने वसी पैमाने पर जबरदस्त सेट के साथ जब एक जानिब सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज पर तेजी से काम जारी है तो याउल सीरीज को भी मुकम्मल तैयारियों के साथ आना होगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट से टक्कर लेते वक्त मलाजिक्रित जैसी मूवी की टीम के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा। उधर इस सीरीज को पेश करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सन का इंतखाब किया गया था जिसके बारे हम आपको पहले ही आगाह कर चुके हैं और अभी तक ये सीरीज एक्सन के आने वाले प्रोजेक्ट की लिस्ट में मौजूद है। इस सीरीज के बारे आने वाले वक्त में क्या फैसला होगा, इसे मंसूख कर दिया जाएगा या फिर इसकी तैयारियां बहाल कर दी जाएंगी, इसका फैसला अभी नहीं हो सका। इस बारे जो भी फैसला होगा या फिर जो खबर सामने आएगी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। आप इस मामले पर अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।